बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शलजम की सब्ज़ी रेसिपी। की तरफ जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 1 किलो शलजम लिया है, जो मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैंने पत्तों के साथ लिया है। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। आपने इसमें पानी इतना डालना है कि अच्छे से ये डिप हो जाए, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने कवर करके रख देना है। शलजम जो है, देखें, गल गए हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी पानी से। अब आपको मैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये मैंने शलजम को बारीक एकदम कूट लिया है। घी मैंने आधी प्याली लिया है। टमाटर 3 लिए हैं जो बारीक चॉप कर लिए हैं। नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्चें 2 चमचे, ज़ीरा 1 चमचा और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैंने घी डाला। आप लोग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने अदरक लहसुन डाला है। इसको थोड़ा सा भून कर मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर गल जाए। ये देखें, टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब इसमें मैं शलजम जो है वो ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं इसके स्पाइसेस भी इसमें डाल दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए जो है मैं कवर करके रखूँगी। इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखना है आपने। ये देखें, मिक्स अच्छे से हो चुका है ये, और इसको अब दम पे रख दूँगी। ये देखें, मज़ेदार शलजम की सब्ज़ी तैयार है। बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।